हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं, चूड़ी तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं उन्हें, वो भी जो भी कुछ भेंट करना है उन्हें चूड़ियों के साथ वो देके और जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल वृद्धि वापस हो। उड़ीसा के सम्मानीय विधायक माननीय शशांक भार्गव जी ने आज साइकिल रैली के बाद जो मीडिया को जो वाइट दी है उसमें उनने हमारी देश की माननीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ी अश्लील टिप्पणी की है, जिससे हम सब लोग आहत हैं और चरित्र हनन का उन्होंने प्रयास किया है। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही खेदजनक है और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये टिप्पणी जो उन्होंने की है वो अगर श्रीमान शशांक भार्गव जी के घर से हमारी श्रीमती पूनम भार्गव जो भाभी जी हैं अगर वह भी उसको सुनेंगी तो वह भी उसको सही नहीं मानेंगी, कहीं ना कहीं महिला विरोधी मानसिकता के व्यक्ति की ही इस प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है कि इस प्रकार से माँ बहनों के बारे में टिप्पणी कर पाए। मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ कि वास्तव में इतना असभ्य और असंतुलित विधायक जिसको बात करने का तमीज नहीं है, बिल्कुल बदतमीज है, उसको विदिशा में विदिशा के विधायक ही हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है और हमने आज उनको उनके खिलाफ जहाँ पर चरित्रहनन का प्रकरण दर्ज किया है 294B का FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी अपनी शालीनता की भाषा का इस्तेमाल करें, हमारी संस्कृति और आप तो उद्योगपति हैं, इस प्रकार की जो जिस प्रकार की आप बातचीत करते हैं कहीं शोभा नहीं देता। आपके घर में भाभी जी हैं, आपकी बहू हैं, आपके घर में बहन है, जिसके घर भरा पूरा होता है वो कम से कम महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी करना पूरी महिला जगत का अपमान। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्थानीय विधायक श्री शशांक भार्गव ने शिकायत आवेदन दर्ज किया था जिस पर पुलिस के द्वारा सूचना पत्र दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। आगामी समय में ये जांच का विषय रहेगा, जो भी उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो विवेचना के उपरांत ही पूर्ण होगा। सर, नगर पालिका अध्यक्ष ने कुछ धाराएं बताई हुई थी, धारा का जी उनका ये कहना था कि माननीय केंद्रीय मंत्री के बदल की विधायक जी के द्वारा आशोधी टिप्पणी की गई थी, उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन में लेख किया था, उसी संबंध में जांच की जाएगी और विवेचना की जाएगी। अच्छा, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, प्रथम सूचना पत्र दर्ज हो चुका है और ये अब आगे विवेचना का विषय रहेगा कि क्या तथ्य प्रकाश में आते हैं विवेचना में, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।